Subscribe to our channel and press the bell icon. कुछ टीनेजर्स यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आओ उनसे बातचीत करते हैं. वो क्या कहने वाले हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में. हेलो, हाय, मैं धनु सतगुतरा सर. मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, मैं मेरे पहले आपका नाम बताइए. रिया, मेरा नाम रिया नागपाल है, मैं फतेहाबाद. आपका नाम दीक्षा इंसा. कितने सालों से आप जुड़े हो डेरा सच्चा सौदा से. मैं कम से कम 14 ईयर्स तो हो चुके हैं. 6 ईयर्स. क्या करते हैं आप लोग. मैं प्लस टू में कॉमर्स में मतलब स्टडी करती हूँ. सेम स्टडी, प्लस टू कॉमर्स. आज अब इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है इसका. क्योंकि उनका अटूट विश्वास है हमारे गुरुजी पे, श्रद्धा भक्ति एक्सेट्रा. आज इतनी गर्मी का दिन है, इसके बावजूद भी आप लोग आए हुए हैं. बच्चे पसंद करते हैं छुट्टियाँ मनाना, आप यहाँ डेरा सच्चा सौदा हो क्यों. लोगों को पता है कि हमारे जहाँ मन शांत होता है, यहाँ आके बिल्कुल शांत वातावरण होता है, यहाँ आके दिल को सुकून मिलता है और पिताजी का टूट प्यार. हमें यहाँ आकर अच्छा लगता है, लोगों को दूसरी जगह छुट्टियाँ मनाना अच्छा लगता है, हमें यहाँ आकर अच्छा लगता है. आज के समय की बात करें, कितना यकीन है गुरुजी पे. हमें तो पूरा 100+ कितना भी अटूट विश्वास है हमें अपने गुरु. आपको. मुझे तो बस दुनिया में सबसे ज़्यादा गुरुजी पे विश्वास है. और लोग कहते हैं यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जो अनपढ़ है, अंधभक्त. आप क्या कहेंगे, आप खुद भी. नहीं, मैं हम दोनों ने थर्ड पोजीशन लिया तो हम क्या अनपढ़ है. ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमारे गुरुजी हैं हमें उन पर विश्वास है. उनकी इंटेलिजेंसी है, जो उनके काम लोगों ने देखे हैं. उन्होंने सफाई अभियान कराए, ब्लड डोनेशन, जहाँ लोग मर रहे होते हैं बॉर्डर्स पे उनको ब्लड डोनेट किया, इतनी सफाइयाँ कराई. इतना तो मोदी सरकार ने या किसी और सरकार तक ने नहीं किया. आगे भी लगातार आते रहेंगे डेरा सच्चा सौदा. जरूर. और सरकार से क्या अपील करना चाहोगे. कि मतलब कि वो भी हमारा साथ दे, जिस तरह से एंड टाइम पे आकर उन्होंने जो ये थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी तो थोड़ा बहुत उन्हें भी करना चाहिए था. क्योंकि इतना कुछ किया हमारे पिताजी ने हमारे लिए, वो वेश्याओं को भी किन बेस पे आए, पूरी दुनिया के लिए, जो उनको नहीं मानते उनके लिए भी उन्होंने इतना किया. बट लोगों को दिखता नहीं, लोग सुना जाए तो तुम कई बार जाते ना, तुम्हारे बाबा जी तो ऐसे हैं वैसे हैं. मैं बस इतना कहती हूँ, तुमने हनुमान जी का लीला, तुमने कृष्ण जी को मानते हो तो कृष्ण जी भी तो मतलब रास लीला वगैरह करते ही थे. और इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमें तो भाई पूरा विश्वास है. मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, मैं ये लॉकेट कभी नहीं उतारना. बस आते रहोगे लगातार. हाँ जी. तो ये थे हमारे साथ कुछ टीनेजर जिन्होंने अपने विचार साझा किए. आप भी बताइए, जरूर अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में. जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ. धन्यवाद.